का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी आपसे कुछ देर बाद एक बार फिर एक दूसरे के सामने होंगे, दोनों के बीच आमने सामने की बात होगी। जी बिल्कुल, और ये बातचीत चल रही है, दुनिया के तमाम मुद्दों के अलावा उन जन मसलों पर भी बात होने की उम्मीद है जिससे दोनों देशों की दोस्ती एक नए आयाम को तय करेगी। कई अहम समझौते हैं जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान रख दी गई थी, अब उन्हें फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाएगा। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली डील से सबसे ज्यादा परेशानी चीन और पाकिस्तान को होने वाली है, क्योंकि दुनिया का सुपर पावर हिंदुस्तान को नई ताकत से लैस करने जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं रखी गई है। तैयारी ऐसी है कि हिंदुस्तान में बीता हर पल बाइडेन के दिल को छू ले और यात्रा यादगार रहे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बाइडेन की मेजबानी करने का ये पहला मौका है और जून के बाद बातचीत का दूसरा। G20 पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, लेकिन बाइडेन और मोदी की मुलाकात से सबसे ज्यादा कुलबुलाहट चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों में है। इसकी सबसे बड़ी वजह रक्षा सौदों पर मोहर लगना है। पहले आपको संक्षेप में बताते हैं कि किन तीन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। पहला मुद्दा भारत के साथ जी जेट इंजन सौदे को फाइनल करना है। दूसरा मुद्दा सिविल परमाणु तकनीक में एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाना है। तीसरा मुद्दा MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की डिमांड को पूरी करने का रोड मैप तैयार करना होगा। पीएम मोदी और बाइडेन की बातचीत से ठीक पहले औपचारिकता की शुरुआत की जा चुकी है। शुक्रवार को भारत ने 31 हथियारों से लैस MQ-9B रीपर यानी प्रीडेटर बी ड्रोन के मेगा अधिग्रहण के लिए अमेरिकी सरकार को औपचारिक अनुरोध जारी किया है। अब मकसद मार्च से पहले इस डील को फाइनल करना है और ये डील पीएम मोदी और बाइडेन की बातचीत के दौरान फाइनल हो सकती है। MQ-9B ड्रोन के दो वर्जन हैं, एक सी गार्डियन यानी समंदर में निगरानी और युद्ध में माहिर, तो दूसरा स्काई गार्डियन यानी हवा से दूसरे इलाकों में प्रहार करने में सक्षम। देखिए, अभी आपने रिपोर्ट देखी कि आखिर इन मुलाकात से कैसे चीन और पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ने वाले हैं, लेकिन उसके पीछे की जो वजह है, जो हथियार हैं, जो ड्रोन हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको लेकर क्या डिटेल्स आ रही हैं, वो एक नजर डालिए। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन एक बेहद शक्तिशाली ड्रोन है। इसके विंग्स की लंबाई 79 फीट है। ड्रोन की लंबाई की बात की जाए तो ये 38 फीट है और इसकी रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है जिसकी वजह से इसकी भनक दुश्मनों को नहीं लगती। ये 40 घंटे तक लगातार हवा में रहकर निगरानी कर सकता है और उसमें इतने घातक मिसाइल लगी होती है कि ये 11,000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। इस ड्रोन में एंटी शिप, एंटी टैंक और हेल फायर मिसाइल्स लोड हो सकती हैं। अमेरिका और भारत के बीच इस ड्रोन डील से सबसे ज्यादा बेचैनी चीन को हो रही है। वजह अमेरिका की वो रणनीति है जिसके तहत क्वाड देशों को इस ड्रोन से लैस किया जा रहा है। ।2020 में भारतीय नौसेना को समुद्री सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका से दो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन एक साल के लिए लीज पर मिले थे। बाद में लीज टाइम बढ़ा दिया गया। भारत ने अमेरिका से 31 ड्रोन की मांग की है। 15 सी गार्डियन ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलेगा। 16 स्काई गार्डियन वर्जन वायुसेना को मिलेगा।
भारत अमेरिका से जो ड्रोन खरीदने वाला है वो चीन के ड्रोन के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। चीन अपना ड्रोन हॉन्ग 4 और विंग लूंग 2 पाकिस्तान को भी सप्लाई कर चुका है, लिहाजा अमेरिकी ड्रोन के जरिए भारतीय सेना काफी आसानी से चीनी और पाकिस्तानी ड्रोन को काउंटर कर पाएगी। भारत को इस ड्रोन से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ये समझिए। एलएसी की निगरानी आसानी से हो सकेगी, समंदर में चीन की मूवमेंट की जानकारी मिलेगी, एलएसी एलओसी पर रिमोट से टारगेट पर हमला मुमकिन होगा। भारत इन ड्रोन को यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट से खरीदेगा। डील होते ही भारत ये लड़ाकू ड्रोन पाने वाला पहला गैर नेटो देश बन जाएगा। बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात भारतीय फाइटर जेट्स को नई ताकत और रफ्तार से लैस कर सकती है। अगर अमेरिका के साथ डील फाइनल हुई तो अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अपना प्लांट भारत में लगा सकती है। जी कंपनी अपना प्लांट या इंजन बनाने का काम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को लाइसेंस के तहत दे सकता है। डील से भारत को जी F414 इंजन आसानी से मिलेगा। दुनिया के 8 देशों में इसी इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। एलसीए तेजस को जी F414 की ताकत मिल सकेगी। भारत में स्वदेशी मुहिम के तहत क्रायोजेनिक इंजन तो बना लिया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल फाइटर जेट में नहीं किया जा सकता। भारत अमेरिका के 99 जेट इंजन बनाने का समझौता है। जी एयरोस्पेस F414 फाइटर जेट इंजन की 80% तकनीक भारत को देगा। अमेरिका अपने बेहद करीबी देशों के साथ भी तकनीक साझा नहीं करता है। मसौदा तैयार है, अब पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात में ये डील इससे भी आगे बढ़ सकती है और इसे पूरा करने की डेडलाइन भी तय हो सकती है। भारत की इस उपलब्धि से चीन और पाकिस्तान के लिए भारत भविष्य में और ज्यादा कठिन चुनौती बन जाएगा, क्योंकि भारतीय फाइटर जेट पहले से ज्यादा आधुनिक और ताकतवर बन जाएंगे।